धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहन नीलम इंसान, पत्नी रामफल इंसान, मौजूदा पता है सुखचैन कॉलोनी सिरसा। बहन नीलम इंसान, पूजा गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की, अपने ऊपर हुई अपार रहमत का लिखित में वर्णन इस प्रकार करती हैं। बहन नीलम इंसान बताती हैं कि जब हम लोग अपने पिछले गांव हजवाना कैंथल में रहा करते थे, नाम शब्द तो मैंने पूजा हजूर पिताजी से तब ही ले लिया था, लेकिन सत्संग या सेवा पर कभी कभार ही आ पाती थी। वर्ष 2004 में पता नहीं कैसे क्या हुआ कि डॉक्टरों ने अपने टेस्टों और अनुभवों के आधार पर मेरे सिर के अंदर कैंसर की गांठ बता दी। कैथल जींद पीजीआई रोहतक आदि सभी जगहों पर टेस्टों में एक यही सांझी बात बताई गई थी। जैसे ही मेरी इस बीमारी का मेरी ननद चांद कौर को पता चला तो वह अपने गांव रामपुरा जिला कुरुक्षेत्र से मेरा हाल चाल जानने के लिए हमारे पास आई। उसने भी डेरा सच्चा सौदा से नाम शब्द लिया हुआ है। उसने मुझे डेरा सच्चा सौदा में पूजा गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के दर्शनों के लिए चलने का आग्रह किया, लेकिन मेरे ससुराल वालों यानी उनके माता पिता आदि सभी ने इस बात का जबरदस्त विरोध किया कि जब पीजीआई वाले इतने बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है तो सरसे वाले बाबा पूजा गुरु जी क्या भगवान हैं जो इसकी बीमारी कैंसर को ठीक कर देंगे। मेरी ननद को पूजा गुरु जी पर दृढ़ विश्वास था। उसने उन लोगों की इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह मुझे लेकर सरसा दरबार में पहुंच गई। शाम की रूहानी मजलिस में हमने पूजा गुरु जी के दर्शन किए। मजलिस की समाप्ति के बाद पूजा शहनशाह जी ने बीमारों के लिए प्रसाद पर अपनी पावन दृष्टि तथा अपने पावन कर कमलों का पवित्र स्पर्श प्रदान कर बीमारों को देने का वचन फरमाया। पूजा पिताजी के वचनानुसार मैंने भी
वो पवित्र प्रसाद पूरी श्रद्धा और सच्ची भावना रखते हुए लेकर खा लिया। अगले दिन रविवार को रूहानी सत्संग का कार्यक्रम था। हमने पूरी एकाग्रता के साथ सत्संग सुना। पूज्य पिताजी ने सत्संग के दौरान अपने वचनों में ये भी फरमाया, बेटा दिन रात लगातार नाम का स्मरण करो। कैंसर जैसे भयानक रोग मालिक सेवा और सुमरण के बहाने पल भर में ही काट देता है। इसके साथ ही पूज्य गुरु जी ने उसी दौरान ये भी वचन फरमाए कि अगर कोई जीव मालिक पर दृढ़ विश्वास करे और चिंता ना करे तो कैंसर का कोई भी मरीज 15-20 साल तक जिंदा रह सकता है। मैंने अपने सतगुरु मुर्शद कामल के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखते हुए सत वचन कहकर सेवा और सिमरण करने के उद्देश्य से दरबार में एक पक्की समिति में अपना नाम दर्ज करवा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी शिफ्ट के अनुसार सेवा पर जरूर पहुंचा करूंगी। बीमारी वाला प्रसाद तो मुझे मिला ही मिला, साथ ही पूज्य हजूर पिताजी ने मुझे अंदर से भी शक्ति आत्मविश्वास प्रदान किया, जिससे मेरे अंदर जीने की इच्छा बन गई। जबकि उससे पहले मन हर समय उदास रहता था कि अब बचना तो है नहीं। जैसा कि डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा या उसमें लिख दिया था, एक दिन मेरे सिर में बहुत ही तेज दर्द होने लगा। दर्द इतना भयानक था कि सहन शक्ति से परे था। बहुत ही असहनीय दर्द था। मैं लेटे लेटे ही गुरु मंत्र का जाप करने लगी। इसी दौरान मेरी आंख लग गई। मुझे पूरा ख्याल है कि मैं उस समय गहरी नींद में नहीं थी, यानी मैं अर्ध जागृत अवस्था में थी। अचानक मुझे पूज्य सतगुरु पिताजी के साक्षात नूरी स्वरूप के दर्शन हुए। पूज्य सतगुरु दयालु पिताजी ने अपने पवित्र कर कमल मेरे सिर पर रखकर मुझे आशीर्वाद प्रदान किया तथा अपनी ओर से दवाइयां देकर वचन फरमाया, बेटा ये दवाई ले लो, इससे तेरा सिर दर्द सही हो जाएगा, चिंता नहीं करना, फिर कभी आकर इन गांठों को, कैंसर की जो गांठें थी इन्हें भी ठीक कर देंगे।
और ये वचन फरमाकर पूज्य पिताजी अचानक से वहां से ओझल हो गए। इसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा चौं तरफ नजर घुमाकर वहां कमरे में कोई नहीं था। मेरे सिर का दर्द भी बिल्कुल गायब हो चुका था और मैंने अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ पाया। प्यारे सतगुरु जी का यह बिल्कुल प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर मेरे ससुराल वाले सभी सदस्य यानी सारे परिवार ने बिना कहे खुद ब खुद ही डेरा सच्चा सौदा सत्संग में जाकर सत्संग सुना तथा अपने आप ही पूज्य पिताजी से नाम शब्द ले लिया। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसां की अपार रहमत से मेरा कैंसर कैंसल हो गया। मालिक की कृपा से अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। बीमारी का नामो निशान भी नहीं रहा है। अपने प्यारे दाता मुर्शद जी का हम सारा परिवार कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और यही इच्छा है और आखिर तक यही कामना है कि हे मालिक हमेशा अपने पवित्र चरण कमलों में लगाए रखना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।